तो सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार पिछले कुछ महीनों से जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम का काफिला जो है करनाल पहुंचा, यहां उन्होंने वार्ड नंबर 6 के नागरिकों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की, केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक भी उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री ने मौके पर कहा कि हमारा संकल्प है कि घर बैठे योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। तो करनाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जन समस्याओं से, लोगों की समस्याओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है रूबरू हुए। उन्होंने मौके पर कहा कि हमारी कोशिश यह है, सरकार की कोशिश यह है कि जो तमाम योजनाएं हैं, केंद्र या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो, तमाम जो योजनाएं चल रही हैं वो प्रदेश के, देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसी की पहल की जा रही। तो आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है इसी तरीके से प्रदेश भर में घूम घूम कर जनसंवाद कर रहे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उन समस्याओं को तत्काल, उन समस्याओं के निवारण पर काम हो रहा, तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे। तो ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे, जब लोगों की समस्याएं सुन रहे थे तो तमाम जो अधिकारी उनके साथ बैठे हुए थे उन समस्याओं को नोट डाउन कर रहे थे, तत्काल उनका निवारण भी किया जा रहा था। तो पिछले करीब कई महीनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है इसी तरीके से प्रदेश भर में घूम घूम कर तमाम लोगों से खुद पर्सनली इंटरेक्शन कर रहे, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तमाम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। कोशिश यही है कि जो समस्याएं सीधे तरीके से नहीं सॉर्ट आउट हो पाती, उन समस्याओं को मुख्यमंत्री उन समस्याओं तक खुद पहुंच रहे हैं, उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसके जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक शख्स से मुख्यमंत्री जो है पर्सनली इंटरैक्ट करें, तमाम लोगों की समस्याओं को सुने। तो करनाल में मुख्यमंत्री जो है जन समस्याओं से रूबरू हुए हैं, तमाम लोगों की परेशानियों को सुन रहे हैं, उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो रही है। तो ये करनाल की तस्वीरें, इससे पहले लगातार प्रदेश भर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रही जहां मुख्यमंत्री जो हैं तमाम समस्याओं से रूबरू होते रहे हैं।